अंदर केरल चोरी पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। दरअसल केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस ने फिल्म के हेड स्पीच को बढ़ावा देने और ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगाया था। इस मामले में लगाई गई हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को मामले में जस्टिस के एस जोसेफ और बीवी नागरत्न की बेंच से वकील निजाम पाशा और सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल ने मामले में तत्काल सुनवाई की जाने की मांग की थी। उन्होंने बेंच से कहा कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर पर अब तक 1,60,00,000 व्यू आ चुके हैं। निजाम पाशा ने कोर्ट में कहा, यह फिल्म हेड स्पीच की सबसे खराब और निचले दर्जे की मिसाल है। यह फिल्म पूरी तरह से सिर्फ एक ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा है।